न अमेरिका का राष्ट्रपति, न विदेश मंत्री, न वित्त मंत्री, फिर भी जादू ऐसा कि हैदराबाद में सबकी नजरें जिस एक शख्सियत पर टिकी रही वो इवांका ट्रंप थी, जिसके स्वागत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मौजूद रहे। वो इवांका ट्रंप थी। फिर तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति की बेटी की मुलाकात दोनों देशों में एक नए रिश्ते की शुरुआत, और इसकी दस्तक तब सुनाई पड़ी जब इवांका ने खुले दिल से प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। For all that you are doing to build India as a thriving economy, a beacon of democracy and a symbol of hope to the world. What you are achieving here is truly extraordinary. From your childhood selling tea to your election as India's Prime Minister, you've proven that transformational change is possible. इस तारीफ से प्रधानमंत्री भी बहुत खुश हुए, विनम्रता से हाथ जोड़े। आखिर हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में अमेरिका की नुमाइंदगी कर रही हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाडली इवांका ट्रंप। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर उन्हें भारत आने का न्योता दिया था। 36 साल की इवांका का नवाबों की नगरी हैदराबाद में वो राजकीय स्वागत हुआ जिसके जरिए मोदी सरकार व्हाइट हाउस को और करीब खींच लाने में लगी है। अपने इस आव भगत से इवांका भी गदगद हुई, लेकिन इससे भी ज्यादा उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत खींचती चली गई। यू हैव ओपनड न्यू यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। Your doctors and scientists are discovering medical cures and life-saving technology. ट्रंप ने जिस मकसद से इवांका को मिशन दोस्ती पर भारत भेजा और मोदी ने जिस मकसद से इवांका की मेजबानी में जोर लगाया वो यहाँ साफ साफ दिखा। इवांका ने ये जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि ट्रंप के राज में दुनिया के दो बड़े और ताकतवर देशों की दोस्ती को फलने फूलने का पूरा मौका मिलने वाला है। गुजरात में चुनावी महासमर के बीच प्रधानमंत्री मोदी पूरे दिन हैदराबाद में रहे। ग्लोबल समिट से जुड़े हर खास इवेंट में वो इवांका के साथ दिखे। आखिर इवांका भी इवांका जो ठहरी, ट्रंप की सबसे चहेती, व्हाइट हाउस की अनौपचारिक रूप से नंबर टू, धाक वाली बेटी इवांका का मतलब आप ट्रंप ही समझिए। इसीलिए मोदी ने इवांका के सामने अपनी सरकार का गेम चेंजर प्लान रखा। वी हैव क्रिएटेड आधार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल डाटा बेस। दिस करंटली कवर्स ओवर 1.15 बिलियन पीपल एंड डिजिटली प्रोसेस ओवर 40 मिलियन ट्रांजेक्शन डेली। इवांका के लिए मोदी सरकार ने दस्तरखान बिछा दिए। स्वागत में कोई चूक नहीं रखी गई क्योंकि ये वो निवेश है जिससे बड़े ब्याज वाले रिटर्न की उम्मीद है। इवांका भारत से अच्छे ख्याल लेकर जाएगी तभी तो अमेरिका हमारे लिए अपना खजाना खोल पाएगा और अच्छे दिन आ पाएंगे।